हे गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, फाइनली जो है आप लोगों की आंसर की जारी हो चुकी है। अभी आंसर की जारी होने के बाद में आपकी जो संभावित कट ऑफ है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, वही हुआ जो हमें पहले से ही जो है संशय था। और वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि पूत के पेड़ जो है पालने में ही दिख जाते हैं। तो सेम वैसा का वैसा ही जो है ऊर्जा विभाग की ओर से हमें रेस्पॉन्स मिला है। उन्होंने केवल आंसर की जारी की है, रेस्पॉन्स की जारी नहीं की। पहले से ये डाउट था, ये संशय था कि इस बार भी जो है ऊर्जा विभाग पिछली बार की तरह जो है कहीं ना कहीं केवल आंसर की जारी करके जो है स्टूडेंट्स को खुश कर देगा। तो इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ है, रेस्पॉन्स की इन्होंने जारी नहीं की है। तो इस वजह से जो है अभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट को लेकर बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में बने हुए हैं। बट गाइस, फिर भी जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह पे जो कट ऑफ स्टूडेंट्स है अपने जो अनुमानित मार्क्स जो बता रहे हैं उनको एनालिसिस करने के बाद में जो है हम एक अनुमानित कट ऑफ जो है एक बार फिर से रिवाइज कट ऑफ जो है वो हम ये अनुमानित जो है लगा सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी संभावित कट ऑफ जा सकती है गाइस 108 से 115 के बीच में। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ रह सकती है 102 से 110 के बीच में। उसके बाद में गाइस, यदि हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इनके कट ऑफ जा सकती है 98 से 104 के बीच में। एसटी एससी की कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं 98 से 103 102 के आसपास रह सकती है। मतलब एसटी एससी की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 100 के आसपास रहने की चांसेस है। तो गाइस, आप लोग भी जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपकी जो मार्क्स है वो कितने लगभग कितने बन रहे हैं, कितने करेक्ट हो रहे हैं, ताकि और ज्यादा सटीक जो है अनुमान लग सके कट ऑफ का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।